आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में 21 अगस्त 2022 को आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा के अंतर्गत सातवीं शाखा रविवार को ठंडी सड़क स्थित पार्क में आयोजित हुई। आज की शाखा में सर्वप्रथम पार्क में स्थित गंदगी को सभी साथियों ने मिलकर साफ किया और बैठने योग्य बनाया। आज की शाखा शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित थी। शाखा के सभी साथियों ने पूरे जोश खरोश के साथ पार्क की साफ सफाई की। उसके उपरांत शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिला महासचिव डॉक्टर अनुराग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस वृहद व व्यापक तिरंगा शाखा के इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की प्रेरणा से जनहित में प्रारंभ किया गया है और आज ये सातवीं तिरंगा शाखा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जिले में विभिन्न स्थानों, नदी, पार्क, सरोवरों आदि स्थानों पर चलता रहेगा, जिसमें हम सफाई के साथ साथ अपने देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हैं और यह शाखाएं उन्हीं के नाम पर आयोजित होती है। साफ सफाई के पश्चात शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त की संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान के बारे में व्यापक चर्चा की गई और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अत्याचार अनाचार के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया गया। आखिर में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तिरंगा शाखा में जिला उपाध्यक्ष रामरूप यादव, विक्की सोनकर, एडवोकेट एमपी यादव, राजेश सिंह, वीरेंद्र यादव, रूपेश विश्वकर्मा, उमेश यादव, बलवंत यादव, विपिन पाठक, सत्यम राय, अनिल यादव, संजय यादव, अभिषेक सिंह, दीनबंधु गुप्ता, नंदूराज, डॉक्टर विजय यादव, विशेष मौर्या, लालजीत जगधारी, नरेंद्र मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, राकेश मौर्या, बलवंत यादव आदि साथी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।